हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हेयर विद अ न्यू टॉपिक, सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसका ये पार्ट टू है। पार्ट वन हम डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट वन आपको अगर देखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो बेंड्यूरा ने 3 हेडिंग्स दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी का, जिसमें रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म था, सेल्फ सिस्टम था और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म और सेल्फ सिस्टम। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि सोशल लर्निंग थ्योरी एक्चुअली होती क्या है, जो हम ऑब्जर्वेशनल एंड अपने एनवायरनमेंट के थ्रू, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। जो हमारा बिहेवियर होता है, जो भी हम सीखते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी एक्चुअली होती क्या है। सोशल लर्निंग थ्योरी है जो हम बिहेवियर जो सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट के थ्रू, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये होती है सोशल लर्निंग थ्योरी। अब फर्स्ट पॉइंट था रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, इसको हम डिस्कस करते हैं। जो पी बी और ई 3 पॉइंट्स दिए थे बेंड्यूरा ने, जिसमें प्री रिप्रेजेंट करता है पर्सनल फैक्टर्स, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स भी आते हैं और साइकोमोटर भी कहते हैं इसको, ओके। और बी रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर को और ई रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। इनका कहना था कि जितना पर्सनल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है एक पर्सन की लाइफ में, उतना ही उसका एनवायरमेंटल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है और उतना ही उसका बिहेवियर भी। मीन्स एक दूसरे से ये तीनों क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इनके रिलेशनशिप को समझ लेते हैं। पर्सनल फैक्टर और बिहेवियरल का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का रिलेशनशिप है, हम क्या सोचते हैं, किस तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं, उसी तरीके का हम एक्शन लेते हैं। पर्सनल फैक्टर्स क्या हुआ कि हम क्या सोच रहे हैं और किस तरीके का हम एक्शन ले रहे हैं, वो हमारा बिहेवियर हो गया। इस तरीके ये हो गया इन दोनों का रिलेशनशिप। और अब आते हैं एनवायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर्स पे। पर्सनल फैक्टर और एनवायरमेंटल का जो इन्फ्लुएंस करता है वो सोशली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्हीं दोनों के रिलेशनशिप की वजह से होता है। एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा शाई है, फर्स्ट से अपनी क्लास में जाता है और जो शाई होना उसका पर्सनल फैक्टर हो गया और उस क्लास के एनवायरनमेंट से वो फेमिलियर नहीं है शाई होने की वजह से, वो लोगों के अटेंशन में ना आए, जिसकी वजह से वो बैक बिल्कुल लास्ट वाली बेंच पे जाके बैठ जाता है। तो कहीं उसके पर्सनल फैक्टर पे कहीं ना कहीं उस क्लास का एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है, जो उसके सोशल इन्फ्लुएंस को मॉडिफाई कर रहा है। बिहेवियरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या रिलेशनशिप है, अब उसका जो बिहेव है वो क्या, जाके लोगों के अटेंशन में ना आना, फोकस ना होना, जाके पीछे बैठना उसका बिहेवियर है उस एनवायरनमेंट के थ्रू। ये क्या कर रहा है, उसके बिहेवियर को उसके एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज कर रहा है। मीन्स के हम जो एवरीडे लाइफ की जो बिहेवियर होते हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसा आपका पर्सनल फैक्टर है उसी तरीके, और पर्सनल फैक्टर्स के की वजह से जैसा आपका एनवायरमेंट है और उस एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है आपका बिहेवियर। आपका जो पर्सनल फैक्टर होता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, उसके बेस पर आप अपने इमोशंस, मीन्स की जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जो आपके आसपास की चीज़ें होती हैं, वो उससे आप ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और फिर आप उसी बेस पर आप अपना एक्शन करते हैं।
अब आते हैं सेल्फ स्टीम पे। सेल्फ स्टीम मीन्स कि इन सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि इवेल्यूएशन होता है इसका मतलब, खुद को इवेल्यूएट करना सेल्फ सिस्टम मीन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडुरा ने डेफिनेशन दी है, इन सोशल लर्निंग थ्योरी अ सेल्फ सिस्टम इज नॉट अ साइकिक एजेंट दैट कंट्रोल्स बिहेवियर। ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल्स करता है सेल्फ सिस्टम, रेदर इट रिफर्स टू कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को रिफर्स करता है दैट प्रोवाइड्स रेफरेंसेस मैकेनिज्म टू सेट ऑफ फंक्शंस ऑफ परसेप्शन इवेल्यूएशन एंड रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। जैसे कि आपका जो बिलीव्स होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो आपका ट्रस्ट होता है, परसेप्शन होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ इस्टीम होती हैं, ठीक है। आप उसी के बेस पर अपने आप को इवेल्यूएट करते हो सेल्फ सिस्टम को। कहा जाए कि आपका जो बिहेवियर का सेटअप होता है ना, वो सेल्फ सिस्टम होता है। आप किस सिचुएशन में किस तरीके का परसेप्शन आपका होता है, जैसे कि डावरी आप ले लें, तो वो सेल्फ सिस्टम है कि डावरी को लेकर आपका परसेप्शन क्या है, आप उसे अच्छा मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आपकी सेल्फ सिस्टम को बताएगा। इसके लिए सेल्फ सिस्टम के लिए 3 कंपोनेंट्स दिए थे बेंडुरा ने, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जजमेंट और सेल्फ रिस्पॉन्स। सेल्फ ऑब्जर्वेशंस में कि हम किस देखते हैं, अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन है जो एंग्जाइटी या स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो उसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना कि क्यों सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सैडनेस, ये सारी चीज़ें जब लाइफ में होने लगती हैं, तो वो सेल्फ ऑब्जर्व करता है एक्चुअली में मुझे हो क्या रहा है। तो वो सेल्फ ऑब्जर्व करता है, डॉक्टर के पास जाता है, और जो भी वो डॉक्टर्स बताते हैं उसको कि आप ये प्रोसेस करो, तो वो उन चीज़ों को करता है, तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन में आ गया। अब जजमेंट ये होता है कि अगर पर्सन इवेल्यूएट करता है परफॉर्मेंस को विदाउट कंपेयरिंग टू अदर्स, वी ऑल्सो कंपेयर आवर परफॉर्मेंस टू द परफॉर्मेंस टू ऑफ अदर। मीन्स कि हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं किसी और से, या फिर हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट कर सकते हैं विदाउट कंपेरिजन। ये आपके जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से इवेल्यूएट करनी है, लोगों से कंपैरिजन करके या फिर लोगों से बिना कंपैरिजन किए। ये जजमेंट के अंदर आता है और ये आपके वैल्यूज़ को बताता है, ये आपके स्टैंडर्ड्स को बताता है। और सेल्फ़ रिस्पॉन्सेस क्या होता है, सेल्फ रिस्पॉन्सेस के अगर आप किसी सिचुएशन से गुजरे हैं, वी प्रोवाइड सेल्फ रिस्पॉन्स रिइंफोर्समेंट्स और सेल्फ पनिशमेंट डिपेंडिंग अपॉन आवर स्टैंडर्ड्स और एंड आवर बिहेवियर। ये आप अपने लिए किस तरीके का रिस्पॉन्स करते हैं, अगर किसी सिचुएशन में आपको गिल्ट है या आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप या तो फिर अपने आप को पनिश करेंगे, या तो फिर आप अपने आप को सेल्फ रिइंफोर्समेंट देंगे आगे बढ़ने के लिए। तो ये सेल्फ सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसी से रिलेटेड, सेल्फ एफिकेसी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस सेल्फ सिस्टम। इसमें क्या होता है कि द बिलीव इन योर ऑन एबिलिटी टू कंट्रोल योर ऑन बिहेवियर इमोशंस एंड मोटिवेशंस। आप अपने आप को, अगर एग्जांपल जैसे हमने डिप्रेशन का लिया था, तो चाहे तो आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। आप अपनी सेल्फ एफिकेसी को बूस्ट करें, स्ट्रॉन्गर बनाएं, जिसकी वजह से आप उस डिप्रेशन जैसे सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है बेंडुरा ने, द बिलीव इन वन्स कैपेबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द एंड एग्जीक्यूट द
कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू मैनेज प्रोस्पेक्टिव सिचुएशंस, कि आप एक आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप उस पर बिलीव कीजिए कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो और मैनेज करके आप उस सिचुएशन से, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन से आप निकल सकते हो। तो सेल्फ एफिकेसी से रिलेटेड सेमिनल पेपर पब्लिश किया था बेंजूरा ने, जिसका नाम था कि सेल्फ एफिकेसी टुवर्ड्स अ यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ बिहेवियरल चेंज। इसको पब्लिश करने का मेन पर्पस ये था कि व्हाई हैज सेल्फ एफिकेसी बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अमंग साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर्स। ओके, अब हम ये जान लेते हैं कि द रोल ऑफ सेल्फ एफिकेसी क्या है। इसमें बेंजूरा ने स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी की कैरेक्टरिस्टिक बताई और वीक सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी की वीकनेस बताई है, कि किस तरीके से हम चेंज हो सकते हैं और अपनी गोल को, अपने अचीवमेंट को पा सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया है कि चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स एज टास्क टू बी मास्टर्ड। जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती हैं उसको एज अ टास्क लेते हैं और उसमें मास्टर्ड हो जाते हैं, और अगर इन फ्यूचर कोई भी सिचुएशंस ऐसी आती है तो वो उसको हैंडल कर सकते हैं। उनका जो इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ इन विच दे पार्टिसिपेट, उसमें डेवलप डीपर इंटरेस्ट करते हैं, जिस भी चीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं उस एक्टिविटी में उनको डीपर इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे यार छोड़ो जाने तो कौन करेगा, ऐसा नहीं होता है। दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कमिटमेंट टू दियर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़, जो भी उनको पसंद है, जो भी एक्टिविटीज़ वो करना चाहते हैं उसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा कमिटेड होते हैं, इसीलिए वो अपने अचीव को, अपने गोल्स को पा सकते हैं, और किसी भी सेटबैक्स या डिसअपॉइंटमेंट से वो जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं, जिनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी होती है। अब वीक सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी को की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। अवॉइड चैलेंजिंग टास्क, बिल्कुल टोटली अपोजिट होता है ये, अपने टास्क जो होते हैं, चैलेंजेस जो होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, और ये वीक सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी वाली सोचते हैं पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो डिफ़िकल्ट टास्क और सिचुएशंस को भी इतना बिलीव हो जाता है कि उन्हें ये लगता है कि मैं इसके कैपेबल नहीं हूँ, मैं इसको कर ही नहीं पाऊँगा, एंड दे फोकस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स एंड निगेटिव आउटकम्स। अपने पर्सनल फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो भी फेलियर उनके लाइफ में हुआ रहता है उसी पे फोकस करते हैं कि मुझसे कोई भी काम नहीं हो पाएगा क्योंकि ये काम मैंने स्टार्ट किया था और मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, मीन्स कि फेलियर हो गया, जिसका रिस्पॉन्स ये आता है कि नेगेटिव हो जाते हैं पर्सन, और ये बहुत ही ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देते हैं बहुत किसी भी सिचुएशंस में। सोर्सेज ऑफ सेल्फ एफिकेसी, किस तरीके से आप अपनी एफिकेसी को बूस्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं। बेंजूरा ने इसमें फोर मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एफिकेसी बताई थी कि किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। मास्टरी एक्सपीरियंसेस, सोशल मॉडलिंग, सोशल पर्सुएशन और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। मास्टरी एक्सपीरियंसेस, अगर आप डेली टास्क को, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, फेस करते हैं, तो धीरे धीरे आप उनमें मास्टर हो जाते हैं और आप अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू इन फ्यूचर में उस हर एक टास्क को, हर एक सिचुएशंस को फेस करते कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, बूस्ट होती है, डेवलप होती है। सोशल मॉडलिंग, अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी सिचुएशन में फेलियर हुए हैं
और किसी और पर्सन को देखकर आप मोटिवेट होते हैं या फिर उसको इमिटेट करके ऑब्जर्व करके उसके बिहेवियर को सीखते हैं, तो ये सेल्फ मॉडलिंग के अंडर में आता है। सोशल पर्सुएशन, जब आप उस पर्सन से इमिटेट करके ऑब्जर्व करके बिहेवियर को सीखते हैं और फिर सक्सेस पाते हैं, तो ये अपने अचीव को पाते हैं, गोल को पाते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है अचीव और गोल्स को पाना, ये आपका सोशल पर्सुएशन के अंडर में आता है। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, कोई पर्सन डिप्रेशन में है, तो इम्पॉसिबल नहीं है कि आप उस सिचुएशन से निकल नहीं सकते हैं। अगर आप अपने सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करते हैं, बूस्ट करते हैं, धीरे धीरे उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं, तो 100% आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, उस सिचुएशन से उस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो फैक्टर्स होता है ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये था बेंडुरा के सोशल लर्निंग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग डिस्कस करेंगे हम, और इनकी जो थ्योरी थी उसका इवेल्युएशन देखेंगे, और विकेरियस लर्निंग इन्होंने दी थी बेंडुरा ने, और उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक मेरी अदर वीडियो को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।